माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। जी सारी टीम जिहदे विच मक्खन जी भी ने वालिया साहब ने होर बाकी सारी साथी ने उन्हां सारिआं नूं जी आयां नूं और ये पार्टी दे विच किसे अहुदे या किसे लालच लई नहीं आ रहे जो पंजाब दे हालात ने उन्हां तों परेशान हो के भारतीय जनता पार्टी दे विच आ रहे ने और जिद्दां वालिया साहब और बाकी इहनां दी सारी टीम आ रही है इसे तरीके नाल सारे पंजाब दे विच जिहड़े लोग पंजाब और पंजाबीयत नूं लै के बहुत ज़्यादा परेशान ने क्योंकि जिस तरीके ना जो पंजाब के हालात बने हुए ने वो सब लोग पार्टी नू ज्वाइन कर रहे ने और नाल आके पार्टी के खड़े हो रहे ने इन्हां सारिआं दा नाल आते बहुत स्वागत है और इहदे नाल मोहाली विधानसभा च ही नहीं खास करके बलौंगी दे जिहड़ी साडे मंडल एक दी मंडल एक हैगा उहनू बहुत ताकत मिलेगी साडे मंडल प्रधान अनिल कुमार गुड्डू जी भी बैठे हैं इन्हां दे सामने ज्वाइनिंग हो रही है पहले भी इस मंडल दे विच बीजेपी की परफॉर्मेंस 2022 काफ़ी अच्छी सी जिस तरह मैं दस्या सीगा कि कांग्रेस नू 9 बूथ 12 चो हराए सीगे और आम आदमी पार्टी नू भी 4 बूथ हराए सीगे 2024 च इन्हां साथियों के जुड़न के नाल जिहड़ी साडी ताकत है वो 2024 के लोकसभा इलैक्शनां दे विच घट्टो घट्ट असीं 13 दे 13 बूथ वड्डे मार्जिन जित के लोकसभा दे विच चंगी बढ़त लावांगे। बस सर एक गल देखण चाहिए अक्सर ये होंदा है कि जिहड़ी रूलिंग गवर्नमेंट होंदी है उहदे च लोग ज़्यादा जुड़दे ने। हाँ जी जिहड़े रूलिंग गवर्नमेंट आउंदी है उहदे च लोग ज़्यादा जुड़दे ने पर पंजाब च हालात उल्टा देखण नूं मिलदा कि रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है पर बीजेपी को लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं उहदा कारण की है हालात नूं देखदे हो या बीजेपी पार्टी की कामयाबी नूं देख रहे हो? नहीं दो चीज़ां बड़ियां स्पष्ट हैं लोगों नूं सरकारां तों कुछ नहीं लैणा लोग सिर्फ सरकार तो यह एक सिक्योरिटी भालदे ने लोग तंगी कट लैंदे ने पर लोग इनसिक्योरिटी नहीं कट सकते देखो तुहानू बैठिया नू डर लगी जाए तुहानू फुलके 3 की जगह 2 मिल जाए तुसीं सार लओगे पर बेवजह तुहानू बैठे डर लगी जाए उहनू उस चीज़ का सामना करना बड़ा औखा काम है। पंजाब दे विच पिछले एक साल तो जिहड़ी सरकार है उन्हें लोगों के इन्नी वड्डी इनसिक्योरिटी भरती है कि तुसीं 3 महीने बाद ही जदों संगरूर दे बाई इलैक्शन होए तुसीं देखो तो रिजल्ट की आया और उन्हां बाई इलैक्शनां तो बाद जिहड़े साथी जित के आए उस तो बाद जो अज पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर का हाल है 2 घंटे में 4-4 कल 4 कतल हो गए परसों की गल 2 घंटे कोई ऐसा दिन नहीं है जिदन मर्डर नहीं हो रहे जदों कि फरौतियां दी कॉलां नहीं लोगों जा रही। सो ये जिहड़ा डर दा भय दा वातावरण पंजाब दे विच बनिया होया लोग इस तो त्रस्त ने और उस त्रस्तता देखते हुए लोगों जे एक सारे विकल्प ला के देख ले पहले कांग्रेस में भी सत्ता च 10-5 साल रख के देख लिया अकाली दल रख के देख लिया आम आदमी पार्टी ने तो 1 साल दे विच ही की कहिंदे ने बांदर दे हाथ तीली आ गई तो उन्हें मतलब कि जो हालात किए हुए ने सानू सारे नूं पता है। सो लोगों की एको ही ऑप्शन रह गई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दी जिहड़ी सरकारां नाल दे प्रदेशों दे विच चल रही ने जिस चंगे वातावरण च जिहड़े सुखमे हालातों में उत्थों दे लोग रह रहे हैं उन्होंने देखते हुए अपने आप भारतीय जनता पार्टी तो अलावा होर कोई ऑप्शन की रह गई है? तो सर जिहड़े पंजाब दे लीडर जिहड़े वख-वख पुराने रिवायती पार्टियां दे सीगे या सीनियर लीडर हुण वह भी बीजेपी च जा रहे हैं कि वह मतलब कि एकदम साफ सुथरे ने या लगता है कि भैया पार्टी जाके हुण पंजाब दा बेहतरी लिए वधिया काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने को तो पहले 60 साल मिल चुके हैं। देखिए गल इदा कि जे वह पार्टी दे विच कोई आ रहा है उन्होंने जी आया आप असीं ये कह सकते हैं कि सुधार घर भी कोई जगह का नाम हुंदा और लोग जिहड़े ने इक्को जिक्के नहीं रहिंदे समय के हिसाब नाल जे असीं देखिए तो 20-25 साल 30 साल की उम्र साडी सोच होर हो सकती है 40 साल की उम्र च सोच होर हो सकती है और 60 साल की उम्र सोच होर हो सकती है समय के और सत्संग के हिसाब नाल बंदे की सोच बदलती है। जदों तुसीं चंगे बंदियां च बहिंदे हो उदों तुसीं धार्मिक गल्लां करदे हो जदों तुसीं लुच्चियां च बहिंदे हो उदों लुच्चियां गल्लां करदे हो। सो भारतीय जनता पार्टी के जिहड़ा आएगा सत्संग मिलेगा जे कोई कमी पेशी होएगी वह दूर हो जाएगी और किसी नूं असीं जिम्मेवारियां देतियां टिकटां देतियां ये भी जरूरी नहीं है। देखो लोग आ रहे हैं पंजाब के लोग ने
जो उन्हें कोई कमियां भी ने उन्होंने ठीक करना उन्होंने भरावान भी ठीक राह पर पाना साड़ी जिम्मेवारी। लेकिन सर विरोधी तो यह कह रहे हैं कि भाई वो ईडी तो सीबीआई तो डर के मतलब बीजेपी को जा रही है उन्होंने कारनामे इस तरह के ने इस करके अपने बचा ले जा रहे। चलो विरोधियों ने तो कोई ना कोई गल करनी किस तरह देख दो क्या वाकई विरोधियों ने कोई ना कोई गल करनी है। देखिए विरोधियों का काम है गल करना पर पंजाब दे विच बीजेपी जो विकट बन रही है वो विरोधियों के करके या जो साथी बीजेपी को ज्वाइन करके कर रहे हैं उन्हां करके बीजेपी विकल्प नहीं बन रही। बीजेपी विकल्प है इस करके सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी हुण आने वाले समय च सत्ता च आने वाली है साथी आ रहे हैं और बीजेपी को होर ताकतवर करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों का काम है कहना विरोधी कहणगे कहिंदे रहिण साडे हरियाणा विच भी कई कांग्रेस तो या होर पार्टियां तो लोग बीजेपी च आए क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री के उत्ते किसी तरीके का कोई करप्शन का चार्ज हैगा। यूपी दे विच भी कई साथी बीएसपी तो कांग्रेस चो साड़ी पार्टी दे विच आए क्या यूपी दे विच यूपी दे मुख्यमंत्री दे उत्ते कोई करप्शन का चार्ज हैगा और क्या यूपी दे विच जिस तरह की एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार चलनी चाहिए नहीं चल रही। उसी तरीके नाल तुसीं चाहे मध्य प्रदेश देख लो उसी तरीके नाल तुसीं चाहे गुजरात देख लो सो साथी आते जाते रहते हैं। सर इन्हां पार्टी छवि नहीं खराब होंगी दूसरी पार्टी करप्शन करते इधर भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। हिम्मत विश्वास शर्मा असम के मुख्यमंत्री सब तो बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम और चेहरा सके और कांग्रेस रहिंदे हुए बहुत बड़ा पिलर और थंब सके अज नॉर्थ ईस्ट की जित विच जे जमीनी सर ते किसी ने काम किया उसी मुख्यमंत्री रहिंदे हुए उन्होंने किया। देखो किसी एक व्यक्ति विशेष नूं ये राजनीतिक तरीके ने गल्लां बदनामी करन दे और वो चीज़ तुहाडे नाल तां चिपकदी है जे तुसीं किते उस सिस्टम दे विच आ जाओ। तुसीं देश दी किसी भी स्टेट दे विच जिथे साडी सरकार है उत्थे सानूं ओपोजिशन दे कई लोगों ने ज्वाइन किया चाहे कांग्रेस हो उत्थे सीगी जे सत्ता च कांग्रेस दे लोगों ने भी ज्वाइन किया पर एंड ऑफ द डे तुसीं मैनूं दसो कि उत्थों दी सरकारां दी जिहड़ी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके नाल सरकार चलाई क्या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते हुए लोगों को मुख रखते हुए ईमानदार सरकार उत्थे नहीं चल रही। उसी तरीके नाल पंजाब जो सरकार आएगी साडे कोल विभिन्न लोग साडे नाल जुड़ रहे हैं विभिन्न पार्टियां तो लोग जुड़ रहे हैं पर यह तुसी गल मैं तुहानू एक कागज़ ते लिख के दे सकदा सुनिश्चितता नाल 100% गरंटी ना कह सकदा कि जदों भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी तो एक टर्म नहीं कई टर्मां चलेगी क्योंकि लोगों को महसूस होएगा कि पंजाबियों की और पंजाब वास्ते सरकार सर आने वाले इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन करेगी इंडिपेंडेंट करेगी। बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ांगे जी असीं गठबंधन जिन्नी देर किया सिर्फ इस करके किया कि असी पंजाब दे अमन शांति वास्ते असी अपने आप नू छोटा करते चले गए कि हिंदू सिख भाईचारे नू असी किसी तरीके का किसी नू नुकसान नहीं करन देना। अज समा आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी नू अगे हो के जिन्हां पार्टियां ने चाहे बेअदबियां दे विच किसी ना कोई रोल निभाया होवे या पंजाब दे विच ड्रग्स कोई रोल निभाया होवे उन्हां सारिआं नूं पिछे करन दी लोड़ है। इसलिए असीं इह बड़े स्ट्रोंगली मंनदे हां कि किते ना किते जिहड़ियां पुरानियां रवायती पार्टियां सी उह इहनां कम्मां च इनवॉल्व सी इस करके किसी ना कोई समझौता सर उस वेले अकाली दल दे नाल भाजपा भी सी जिस वेले दी गल होंदी जी ते उहदे विच ते बीजेपी भी नाल शामिल असीं उहदा नुकसान झल्लिया है असीं पिछले 5-7 सालां च उहदा नुकसान झल्लिया और उस नुकसान नूं झल्लण तों बाद अज लोग सानूं विकल्प क्यों मंनदे ने क्योंकि लोगों को यह गल समझ आ रही है कि बीजेपी का कसूर नहीं सीगा बीजेपी का जिदा घुन पिसन वाला काम हो रहा सी बीजेपी का। सर पंजाब आप गैंगस्टरवाद की गल कर रहे हैं कि पंजाब हालात बहुत खराब है पर जोड़े नैशनल या इंटरनेशनल गैंगस्टर ने उन्होंने तार जी है वो बार बार जो इतने पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ने वो मीडिया के सामने भी कह रहे हैं कि जी इस सेंटर की शह से उन्होंने पाले हुए गुरगे ने उन्होंने शह से सारा कुछ पंजाब का देखो देखो गैंगस्टरवाद के बारे जिनी मर्जी आप डिबेट कर लीए मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के बारे कोई टिप्पणी नहीं करा पर मैं एक गल कह कि पंजाब दे विच जे गैंगस्टरवाद नूं खत्म करना हैगा ते पंजाब दे नौजवानां नूं जॉब देनी पएगी उन्हां नूं कोई ना कोई नौकरी देनी पएगी उन्हां नूं कोई ना कोई किता देना पएगा। जदों लोकां कोल किता ना होवे किसी नूं कोई सवेर नूं उठदिआं नूं कोई दिहाड़ीदार दा कोई साधन ना होवे ते बच्चा की करेगा नौजवान की करेगा। सो पंजाब दा गैंगस्टरवाद कौन करा रहा किदां करा रहा वो एक डिफरेंट डिबेट है पर उहदा सलूशन की है इंप्लॉयमेंट और वो इंप्लॉयमेंट कौन दे सकता जे यूपी असीं दे सकते हैं अज दसो प्रवासी आ रहे हैं यूपी तो हर फैक्ट्री के मोहरे वड्डे वड्डे बोर्ड लगे हुए हैं
कि वॉन्टिड हैल्पर वॉन्टिड फोरमैन वॉन्टिड मशीन मैन जे यूपी दे विच इंप्लॉयमेंट जनरेट होने तो बाद उत्थों दे हालात चंगे हो सकते हैं। पंजाब दे विच भी जे गैंगस्टरवाद ड्रग्स के धंधे को खत्म करना है इत्थे इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सर शरेआम खालिस्तान के नारे लग रहे क्या तुम्हें नहीं लगता सेंटर इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए पंजाब सरकार ना रابطہ करना चाहिए शरेआम खालिस्तान बिल्कुल सेंटर हिंदू सुरक्षा नहीं कोई बच्चा नहीं सर देखिए 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 गल इदा है डिमांड कर दो राष्ट्रपति साहब से नहीं देखिए मैं बड़ी स्पष्ट गल कहना कि साडी सरकार 8 साल तो 9 साल तो सत्ता दे विच है राष्ट्र सेंटर लेवल पे असी एक भी स्टेट की सरकार नु भंग नहीं किया। इंदिरा गांधी सरकार या कांग्रेस सरकार ने 50 स्टेट सरकार भंग किया अपने 15-16 साल के 20 साल के टेन्योर और 50 स्टेट सरकार भंग किया। पंजाब दे विच जिहड़ा हालात ने उन्हां नु ठीक रखना स्टेट सबजैक्ट है वह सेंटर ने दी मदद दे नाल ठीक रखना है बट डायरैक्टली सेंटर की इनवॉल्वमेंट नहीं हो सकती। परसों भगवंत मान जी अमित शाह नाल जाके गल करके आए हैं उन्होंने कंपनियां दित्तियां जो मंगते हैं दे रहे हैं जिथे सपोर्ट मंगते हैं जिन्ना जिनी फोर्स चाहिए उन्नी फोर्स देंगे ने जिथे जिहड़ी तरीके की सपोर्ट चाहिए आ सपोर्ट दे रहे हैं। हुण आपां उस चीज़ नूं कही कि सेंटर उहदे विच मदद नहीं कर रही तो मेरे ख्याल नाल मैं किते ना किते तुहानूं प्रेस नूं भी बेनती करांगा तुसीं साडे चौथे स्तंभ हो डेमोक्रेसी दे तुसीं तगड़े हो के टी आर पी पिछे रख के तगड़े हो के तुसीं जिहड़े ठीक मुद्दों है उन्होंने सामने लैके आओ। कई बार आप सिर्फ इसलिए क्वेश्चन कर दें कि आप जो पुछण वाले जिन्होंने दसन वाले किसी टफ सिचुएशन लैके आइए बट मैं पता कि तुम मेरे नाल ज़्यादा ये सारिया चीज़ों समझते हो और तुम्हें पता है कि पंजाब की हो रहा और कौन जिम्मेवार। वैसे सब गल यह है कि आप महंगाई की गल करिए पूरे देश से महंगाई जी लगातार बढ़ रही है चाहे वो गैस सिलेंडर की होवे कोई होर खाण पीन दी चीज़ां ने लगातार मोदी सरकार से बढ़ रही है इनू किस तरह देखते हो कि मतलब महंगाई एक बड़ा वड्डा मुद्दा है और इसी मुद्दे नूं कंट्रोल करन वास्ते मोदी जी पिछले 2 साल तो लगातार गरीब जिहड़े साडे जिहड़े साथी ने उन्हां वास्ते फ्री विच राशन स्कीम नूं वधांदे चले जा रहे हैं। तुसीं सोचो कि जे ये राशन द स्कीम 2-2.5 साल तो ना वधा रहे होंदे तो किस तरीके दे नाल बाकी जिहड़े साडे गरीब साथी ने उन्हां दा की इफेक्ट होंदा। बट महंगाई नूं जदों असीं देखते हैं महंगाई एक ग्लोबल इशू हैगा हिंदुस्तान च तो है ही है और जिहड़ा हर व्यक्ति उस तो इफेक्टेड है घट और वध आपां इह कह सकदे हां पर एक ग्लोबल इशू है और ग्लोबल इशू च की हुंदा कि मैं सिर्फ इन्ना दसना चाहूँगा कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा 1 किलो आटा है वो इस वेले तकरीबन 200 रुपये किलो प्लस चल रहा। बंगलादेश श्रीलंका इत्थे ये हाल इस वेले 200 रुपये किलो तो उत्ते आटा विक रहा। पंजाब च या हिंदुस्तान च की रेट है जी आटे का भैन बैठिया मेरी दस मैं अगे भी आने लगा अगे ये मैं तुम्हें दसन लगा कि पाकिस्तान का तुम क्या कंपैरिजन किया कि इन कंट्री नहीं करना चाहिए हूँ मैं यूरोप ना कर लेना। हिंदुस्तान के तेल जोड़ा है पेट्रोल डीजल ये 90 रुपये के आसे पासे किसी स्टेट से 2-4 रुपये घट किसी स्टेट से 2-4 रुपये वध होएगा। अज यूरोप के अमेरिका के तेल जोड़ा है वह 150 रुपये किलो के लाग 150 रुपये लीटर के लागे छागे मतलब कि दोनों रेट से ऑलमोस्ट बिक रहा। और जे तुसी महंगाई नू अमेरिका और जे तुसी जिहड़े कई साढ़े इत्थे साथी बैठे जिन्हां दे बच्चे बाहर ने तुसी उन्हां नूं कहो कंपेयर करके देखो। मैं किसी अज तो 10 साल पहले हुंदा सी कि हिंदुस्तान दे विच चीज़ां महंगीआं हुंदीआं सी इह जिहड़े यूरोपीयन कंट्री सी जिथे असी बड़ा खुश होकर जाते सीगे उत्थे चीज़ां सस्तीआं हुंदीआं सी ते सानूं लगदा सी 1 डॉलर च इन्ना कुछ आ जांदा। हुण कहानी उल्टी होई हुई है कि जिहड़ी चीज़ इत्थे रुपये की है उत्थे 1.25 की होई फिरदी है। सो जिथों तक मैं 100% सहमत है इस गल नाल महंगाई जरूर इशू हैगा और इन्हों सरकार हर लोग कोशिश कर रही है कंट्रोल करने वास्ते पर सानू ये देखना पड़ेगा ग्लोबली की हो रहा है क्योंकि सारे देश एक दूजे ना किसी वजह करके जुड़े हुए हैं और जदों उन्हां देशां दे विच प्राइस बहुत ज़्यादा वध जाता है तो उहदा किते ना किते इफेक्ट हिंदुस्तान दे प्राइसिस च भी आता। बट सरकार लगी हुई है निश्चिंत रहो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबां दी सरकार है ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हां लोकां दी सरकार है जिहड़े कि लाइन च सब तो पिछे खड़े ने और नरेंद्र मोदी उसी समाज तो आया है उन्होंने उस समाज की परेशानियों का पता है और वो एक जिमें कह लो कि वो सन्यासी है जिन्हें जान लगे अपनी धी को कुछ नहीं दे के जाना
नूं नूं कुछ नहीं दे के जाना, उन्हें जो कुछ दे के जाना देश नूं दे के जाना है, और ये मुद्दे नूं भी बड़ी छेती उठा। एक आखिरी सवाल है कि सर रेलवे च सीनियर सिटीजन नूं बहुत सारा बेनीफिट मिलता सीगा, अपनी सरकार ने पिछों बंद कर दिता है, उहदा की कारण बंद हो गया? महंगाई के नाल नाल एक बहुत वड्डा इशू हो गया देश दे लई। नहीं के किहड़े किहड़े सीनियर सिटीजन नूं रिबेट मिलता सीगा टिकट च रिजर्वेशन चाण चाण च, उहनां नूं सारा बंद करता जी, मिलदा ही नहीं कोई। देखिए उस विषय के उत्ते जिस तरीके ना इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे हमेशा बहुत फायदे का हो रही है। नहीं, पर सीनियर सिटीजन मेरे पिता जी ने हूँ भी रीसेंटली ट्रैवल किया, उन्होंने सीनियर सिटीजन का, जबकि मैं अपने पिता जी को मजाक करता हूँ कि तुम हूँ रिबेट ना लिया करो, साढ़े देश में कित ना कि जो समृद्ध लोग है उन्होंने भी आदत बन गई है कि जो कोई बेनीफिट मिलता वो ले लेंगे ने। और मैं अपने पिता जी ने भी कई बार एक गल कहना, मेरे पिता जी की आयु 83 साल है, कि जेडे बेनीफिट्स है सानू उन्होंने साथियों वास्ते छड़ देना चाहिए जेडे इन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि जे सारे बंदे 140 करोड़ की आबादी है, जे सारे बंदे ही फायदा लाई चलेंगे तो जड़ा सरकार ते बोझ पैंदा, जो सरकार ते बोझ पैंदा तो फिर महंगाई ते इफेक्ट आता है। सो इन्हां सारियां चीज़ों कंट्रोल करन वास्ते ओवरऑल कई बार कई चेंजेस लैके आनी पैंदियां ने। पर तुसीं जिहड़ी गल कह रहे हो कि महंगाई सटनली सरकार इस वर्ग को लेकर बड़ी सीरीयस है, और मैंने उम्मीद है कि बड़ी जल्दी इस पर भी काबू पा लेंगे। घर वापसी की है, भाजपा शामिल हो की कहना चाहोगे? घर वापसी की मैं पहला 19 साल मैं बीजेपी च रहा, युवा मोर्चा की भी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट लुधियाने की भी रही आ, हरीश बेदी जी युवा मोर्चा के स्टेट प्रेजिडेंट से, तरन चुग जी ने भी कम करन का मौका मिले मैनु, उमा भारती दी ना खजराओ चंद्रपुर भी रहे असी काफ़ी देर 2-3 महीने उत्थे भी मैं ला के आया सी 97 मैं फिर OTC की थी। मेरी मिसेज ने ITC भी की OTC, फिर मैं ITC की सी पठानकोट, मेरे बेटे ने बड़े ने हरप्रीत सिंह ने उन्होंने सान्याल की सी 99 उन्होंने पहले वर्षा किया। हाँ BJP से असी भी चलो कुछ गल्लां सी भी सिद्धू साहब ना मेरा बलबीर सिंह ना प्यार सी, फैमिली रिलेशन ने ब्याह शादी आउंदे जाने आ, ऊं भी कई कारोबार कर ली दा जमीन दा माड़ा मोटा इधर उधर जो भी अपना बिजनेस सी ट्रांसपोर्ट दा भी सी, उहदे करके मेरा प्यार सी। ट्रक यूनियन च असी इकट्ठे सी, फिर ट्रक यूनियन दा मैं काफ़ी जिम्मेवारी भी रही जां सिंधी ना वल्लों मैं जिहड़ा ते इकट्ठे सी असी सारे, चलो कुछ गल्लां हुंदियां सी ते असी अपना समझो भी डेपूटेशन ते चले गए सी, बस वो फिर आ करके माण इधर से क्योंकि एक संगठन न जुड़े हुए से RSS न, एक संगठन एक सी, एक पहला लोग कहते भी एक हिंदुओं की पार्टी आ, जिहड़ा बिच जांदा उन्हू पता लगता भी ये पार्टी कहड़ी आ, ये संगठन जुड़ी आ परिवार न जुड़ी हुई पार्टी आ, इस करके मेरा मन इधर ही सी। हाँ मेरे 4 साल की ये कमिटमेंट सी बलबीर सिंह सिद्धू ना भी देखो ही थोड़े नाल आए हैं, ब्लाक समिति की टिकट मैं लवली ग्रुप में दवाई सी डॉक्टर सुरजीत सिंह पवन जी को पता ही आ, जताया भी है उतों बलौंगी तो कांग्रेस वालों। हाँ उदू बाद साढ़े हुण वीर जी वशिष्ठ जी ने जिम्मेवारी आ ते साडा मन हो गया, फिर उन्हें साफ किया हुण वो आप ही परिवार में आ गए जी, BJP आ गए, असं भी फिर अपने घर वापसी कर लगे हाँ जिन्हों के आशीर्वाद नाते। वही पूछ रहा कि जो सिद्धू साहब नहीं जाते थे तभी तुम्हें वापसी करनी सी? जे साढ़े BJP का कैंडीडेट खड़ते जी फिर तो साड़ी वापसी सी। लीडरशिप इतने बैठी है चाहे डिस्ट्रिक्ट की हो स्टेट की भी इतने बैठी, तो किस तरह देखते हो कि मतलब तुम्हें सपोर्ट देने या हौसला सेरी देने मतलब इस तरह के हौसला जी? पहला भी इन्हें गोल्डी जी भी कम करने का मौका मिलया 5 साल इन्होंने भी किया गोल्डी जी, जग्गी जी बैठे ने, पवन मनोचा जी बैठे ने, विशेष साहब तो ऊँ भी आते जाते होंगे इन्होंने को, मैं एक दो बार नवजोत सिद्धू भी आया थोड़े, तो यही भी प्यार से एक परिवार एक ये BJP एक असी कोई सानू जुम्मे अहदे की नहीं कोई लोड़, असी एक अपने कार्यकर्ता वालों एक पार्टी विश्वास ही ये सिक्योरिटी मिलती है। सर तो BJP वालों डेपूटेशन कांग्रेस वाल भेजा गया से या अपने दिनों गए? नहीं जी मैं अपना सी, मेरा बलबीर सिद्धू ना एक प्यार है जी फैमिली रिलेशन ने, तो सानू इतने BJP का है नहीं, कालिया ने असी वोट नहीं पाई जी। अज कि साढ़े नाल जिहड़े पहला तो जुड़े से साबका सरपंच बलौंगी तो ने सरदार मक्खण सिंह जी, साबका पंचनी साढ़े भैन आशा राणी जी बैठे ने, सैकटरी साढ़े सुखी मैडम बैठी आ, रोनी जी बैठे ने, अपने पटेल जी ठीक इस टाइम असी जे अपने निर्मल सैनी जी बैठे ने, वह जसपाल जी बैठे ने, खैरा साहब मेरा वीर सरवन जी,
ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਾਪ ਚੰਦ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਦੇਗੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ BJP ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਧੰਨਾ ਆਪਣੇ